अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं काशिफ AIOU। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्लास BA ADA BS BEd कमर्शल ज्योग्राफिया कोड 409 है इसका। मैं 2022 का पेपर और 2023 का पेपर आप लोगों के साथ में शेयर करने लगा हूँ। ये सेमेस्टर के साथ 2022 का है, उसके बाद जो पिछले सेमेस्टर का पेपर हुआ स्प्रिंग 2023 का वो मैं शेयर करूँगा। उसके बाद 5 साल का पेपर पर मेरी वीडियो है, सारा पेपर इन्हीं पेपरों से आएगा। क्योंकि अभी तकरीबन जो हमारे पेपर हो रहे हैं ना, मैंने 2-3 पेपर चेक किए थे, तो ये तकरीबन जो हमारे 3 से 4 साल के पेपर गुजरे इसी में से सारा पेपर आ रहा है ये। तो इसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 है, मुदर्रिस ज़ैल के मुख्तसर जवाब दे। इसमें 5 हैं हमारे पास, गंदम की इकसाम, पैदावार और तिजारत, कुदरती वसाइल के तिबी अवामिल, चाय की पैदावार। उसके बाद फिर इसकी हम बात कर लेते हैं। ये हमारा पहला सवाल लाजमी है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद आपने 4 सवाल हल करने हैं आपने। इसमें हमारे पास अगला सवाल है, तिजारत की बैनुल अक़वामी तंजीमों और पाकिस्तानी माशरे पर इनके असरात पर मुफस्सिल नोट तहरीर करें। सवाल नंबर 3 है, पन बिजली के लिए मौजूद जुग्राफियाई हालात और दुनिया में इसकी पैदावार के बारे में तहरीर करें। सवाल नंबर 4 है, कोयले की अहमियत बयान करते हुए इनकी आलमी पैदावार पर मुफस्सिल नोट लिखें। सवाल नंबर 5 है, माहीगिरी की अहमियत बयान करें, नेज़ माहीगिरी के बड़े खितों का मुफस्सिल जायज़ा तहरीर करें। सवाल नंबर 6 है, बरी आमद और रफ्त की अहमियत और ज़राए मुफस्सिल तहरीर करें। सवाल नंबर 7 है, गोश्त की सनत के बारे में मुफस्सिल नोट तहरीर करें। सवाल नंबर 8 है, खिताबंदी के नज़रिए की वजाहत करते हुए खिताबंदी की अवामिल की रोशनी मुख्तलिफ़ खितों का जायज़ा पेश करें। अच्छा, तो इसमें पहला सवाल लाजमी था, उसके बाद जो नीचे वाले सवाल हैं इसमें से, मतलब ये मैं गुजरे हुए की बता रहा हूँ मैं, कि इसमें से अपने 4 लिखने थे। अगर आपका इस तरह पेपर आ जाता है तो फिर आपने नीचे वाले 4 कोई भी लिखना होगा, तरतीब का कोई मसला नहीं है। जो सवाल नंबर 1 है ये लाजमी, इसको आप आखिरी में भी लिख सकते हो, लाजमी नहीं कि आपने पहले लिखना है ये। आगे वाले पेपर की तरफ चलते हैं हम। ये हमारा स्प्रिंग का पेपर है, आप लोग देख सकते हो माहीगिरी की अहमियत वाला हमारा सवाल आया था, तो इधर आप देख सकते हो माहीगिरी सवाल नंबर 5 पे आया हुआ है। देखो सिर्फ 6 मद का फ़र्क है, लेकिन एक सवाल रिपीट हो गया है। चलो आगे देख लेते हैं, शायद कोई और भी रिपीट हो, क्योंकि मैंने ये पेपर पहले रीड तो नहीं किया। मैंने ये बाहर 2023 का पेपर है, पिछले सेमेस्टर का। अच्छा, इसमें सवाल नंबर 6 है, मुदर्रिस ज़ैल किसी में से 2 पर तफसीली नोट लिखे। सवाल नंबर 6 है। अच्छा, उसके बाद चाय की तिबी माहौल, शायद चाय वाला इधर नहीं, चाय वाला नहीं है, ऊपर इसमें था चाय की पैदावार मुख्तसर में। उसके बाद है मकई के ज़रूरी जुग्राफियाई माहौल और दुनिया में इसकी फसल की तनशीर के बारे में मुफस्सिल बयान करें। सवाल नंबर 3 है, दौरे जदीद में बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमों के बारे में मुफस्सिल नोट लिखें। उसके बाद है तिजारत के दौर जदीद और बैनुल अक़वामी तिजारती तंजीमों के बारे में मुफस्सिल नोट लिखें। शायद ये सवाल, हाँ सवाल नंबर 2, तिजारत की बैनुल अक़वामी तंजीमों, ये एक ही यूनिट का हमारा सवाल है। फिर इसमें आगे पाकिस्तान माशियत ये इधर इसमें ऐड कर दिया गया, लेकिन इसमें तिजारत बैनुल अक़वामी का पूछा जा रहा है इसमें सवाल नंबर 4 में। उसके बाद हमारे पास है तारीखी नुक्ता नज़र से ज़राए आमद और रफ्त की अहमियत बयान करते हुए। आमद और रफ्त वाला इधर भी हमारे पास सवाल है, ये एक ही यूनिट का सवाल है। ये भी आमद और रफ्त वाला किधर गया हमारे पास, ये हाँ सवाल नंबर 6, बड़ी आमद और रफ्त की अहमियत, ये हमारा, ये देख रहे हो आप, एक सवाल सेम वही है, 2 उसी से मिलते जुलते और मिल गए हैं, सिर्फ ये 6 महीने का फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है चाय के लिए तिबी मूल, ये मैंने आपको बताया था कि मुख्तसर में है। दुनिया में लोहे के ज़खायर के बारे में तफसील से बयान करें, ये हमारा स्प्रिंग का पेपर था, जो कि मैंने स्प्रिंग का भी शेयर कर दिया। उसके बाद मैं आगे बता दूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने पेपर कैसे लिखना है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ होती है पेपर देना। पेपर सैंपल का पता हो, पेपर देना कैसे है उसका पता हो। तो सबसे पहले भाइयों, आपने ये जो आप इधर देख रहे हो आप लोग, के ये इधर भी हैशे लगे हुए हैं, आपने अपने पेपर पर ऐसे लाजमी हैशे लगाने हैं। आपने ब्लू मार्कर के साथ आपने पैमाना फूटा साथ लेके जाना है आपने। उसके बाद फिर आपने सवाल मार्कर के साथ लिखना है। अक्सर सवाल स्टूडेंट्स नहीं भी लिखते हैं, लेकिन आपने मार्कर के साथ सवाल लिखना है। उसके बाद फिर हेडिंग का लाजमी इस्तेमाल करना है हर सवाल में, चाहे वो किताब वाली हो चाहे वो अपनी तरफ से हो, ये आपने लाजमी करना है। और हर सवाल में
पाँच छः सात आठ जितनी हो सके आप लोगों ने हेडिंगें डालनी है आप लोगों ने। इसके बाद लाइनें छोड़ छोड़ के लिखना आप लोगों ने, छोटा छोटा भी नहीं लिखना, आपने नॉर्मल लिखना है। उसके बाद फिर एक सवाल के जवाब की बात कर लेते हैं, वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो अढ़ाई से तीन पेज पे बहुत है, तीन पेज से ज़्यादा ना हो, अढ़ाई पेज से कम ना हो, क्योंकि ये पेपर ही ऐसा है कि इसमें अढ़ाई पेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद जो पाँच साल का पेपर है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने वो भी एक बार देख लेना। आई थिंक ये 13 तारीख को आप लोगों का पेपर है, आपके पास 4 दिन, अगर किसी ने तैयारी नहीं की होगी ना ये वो सवाल देख लेता है ना, अब इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं मैं इसका भी तरीकेकार बता देता हूँ। ये तकरीबन इसके 18 यूनिट हैं हमारे पास इस बुक के, क्योंकि ये फुल बुक है, इसकी असाइनमेंटें भी 4 थी। तो आपने करना क्या है, आपको पता है कि जब आप हर यूनिट खोलते हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो उसमें डिटेल लिखी होती है कि इसके अंदर कौन से मज़मून सब्जेक्ट वगैरह है हर यूनिट की। तो आज जब आप उसका हर यूनिट का पहला पेज खोलोगे, हर यूनिट का जिधर से यूनिट वो स्टार्ट होता है दूसरा तीसरा, तो उधर से आपको इन सवालात के जवाब आपको बआसानी मिल जाएंगे, उधर आप टिक करके इनको बआसानी रीड कर सकते हो। ये एक आसान तरीका है कि ये जो हमारा 5 साल का पेपर है जो गुजरा है पीछे, ये तो इसमें से जो ना आप लोग बड़ी आसानी से तैयारी और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, इनके सवालात के जवाब भी आपको बआसानी मिल जाएंगे। आज की वीडियो इतनी थी, अल्लाह हाफिज़।